हेलो दोस्तों, मैं अवध और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पॉलीक्रॉट स्टूडियोज की एक और नई पेशकश में। जी हाँ दोस्तों, झुंड में फिर से समाज सेवक बनने जा रहे हैं अमिताभ बच्चन। लोग जमकर लताड़ रहे हैं। सैराट डायरेक्टर नागराज मंजुले झुंड नाम की फिल्म से अपना बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में दिखेंगे। फिल्म विजय बरसे नाम के नागपुर के समाज सेवक पर बन रही एक बायोपिक है और अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए लोग जमकर लताड़ लगा रहे हैं। दरअसल अमिताभ बच्चन से हाल में ही तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर विवाद पर राय मांगी थी, जिस पर उन्होंने कहा ना मेरा नाम तनुश्री है और ना ही नाना पाटेकर। जिन्हें नहीं पता है, तनुश्री ने नाना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और लगभग आधा बॉलीवुड के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे में अमिताभ बच्चन को इस बारे में टिप्पणी करके मुकर जाना लोगों को खल गया है। लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर लताड़ लगाते हुए कहा, ये केवल पिंक जैसी फिल्मों में पैसे लेकर काम करते हैं, असलियत में इन फिल्मों से इनका कोई वास्ता नहीं है। वहीं तनुश्री ने भी साफ कहा है कि उनका दिल दुखता है। तनुश्री ने अमिताभ बच्चन पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग ऐसे हैं जो समाज की बुराइयों को दर्शाते हैं फिल्मों के जरिए, लेकिन उस असलियत से ये लोग कोसों दूर रहना चाहते हैं। बहरहाल विजय बरसे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो नागपुर में एक फुटबॉल कोचिंग के जरिए बस्ती के बच्चों को लगातार नई दिशा देने का प्रयास कर रहे हैं। झुंड में अमिताभ बच्चन विजय बरसे की भूमिका में दिखाई देंगे। बॉलीवुड में फिलहाल हर सुपरस्टार किसी न किसी की बायोपिक कर रहा है। रजनीश ओशो, माना जा रहा है कि आमिर खान धर्मा प्रोडक्शन के लिए रजनीश ओशो बायोपिक पर काम कर रहे हैं, जिसको शकुन बत्रा डायरेक्ट करेंगे। सुपर 30, ऋतिक रोशन सुपर 30 बायोपिक पर काम कर रहे हैं, जो बिहार के एक टीचर आनंद कुमार पर बन रही बायोपिक है। आनंद कुमार हर साल 30 बच्चों को IIT एंट्रेंस निकालने की कोचिंग देते हैं। मणिकर्णिका, कंगना रानौत झांसी की रानी बायोपिक पर काम कर रही हैं, जो कि ऋतिक रोशन की सुपर 30 के साथ क्लैश करेगी। कल्पना चावला, माना जा रहा है कि प्रियंका चोपड़ा के भारत छोड़ने के पीछे एक कारण ये भी है कि वो कल्पना चावला की बायोपिक पर ध्यान देना चाहती हैं। तानाजी बायोपिक, अजय देवगन तानाजी बायोपिक पर काम कर रहे हैं। इस फिल्म में अजय देवगन और काजोल सैफ अली खान के साथ दिखाई देंगे। तानाजी वीर शिवाजी के सिपह सालार थे। ठाकरे, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ठाकरे पर काम कर रहे हैं। फिल्म में उनका लुक देखने के बाद लोगों को फिल्म देखने का उत्साह है। मुगल, टी सीरीज किंग गुलशन कुमार पर एक बायोपिक बन रही थी, जिसे पहले अक्षय कुमार कर रहे थे। अब अक्षय इस फिल्म को अलविदा कर चुके हैं और माना जा रहा है कि ये फिल्म आमिर कर सकते हैं। राकेश शर्मा बायोपिक, आमिर खान पहले राकेश शर्मा की बायोपिक कर रहे थे, लेकिन अब इसे शाहरुख खान कर रहे हैं। फिल्म का नाम पहले सारे जहां से अच्छा रखा गया था, लेकिन अब फिल्म का नाम सैल्यूट है। शेर शाह, विक्रम बत्रा बायोपिक पर सिद्धार्थ मल्होत्रा कारगिल हीरो विक्रम बत्रा पर एक बायोपिक कर रहे हैं। पहले विक्रम बत्रा का किरदार LOC में अभिषेक बच्चन निभा चुके हैं। साहिर लुधियानवी बायोपिक, माना जा रहा है कि संजय लीला भंसाली साहिर लुधियानवी और अमृता प्रीतम पर एक फिल्म को लेकर काम कर रहे हैं, जिसकी कास्टिंग अभी फिलहाल नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है तनुश्री दत्ता को लेकर? अमिताभ बच्चन ने जो जवाब दिया वो सही था या गलत, या फिर अमिताभ बच्चन को तनुश्री दत्ता के सपोर्ट में आना चाहिए? आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट एंड नोटिफिकेशंस।